तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदी न्यूज़। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। बहुत लोग बहुत तरह की जानकारी नहीं होने के कारण अधूरी जानकारी की बेवजह से गलत बातें करते। शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं, शिवलिंग क्या है, शिव का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, चलिए आज हम इस विषय पर बात करते हैं। इस विषय पे थोड़ी बात करते हैं। किसी वेद या किसी पुराण या किसी जगह कुछ नहीं लिखा गया भगवान शिव के बारे में। कहा जाता है शिव निरंकार है, इसका कोई रूप नहीं होता। लोग जिसे अल्लाह या गॉड्स कहते हैं वे सब एक ही हैं, किसी इंसान की तरह नहीं है। वो किसी आकार या किसी शब्द सीमा से परे हैं, वो सब एक बिंदु हैं। भगवान शिव ने सोचा कि सृष्टि का निर्माण किया जाए, तो भगवान विष्णु को जन्म दिया और भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न हुए। लेकिन जब दोनों का जन्म, उन्होंने ये नहीं पता था कि वे कहाँ से आए और कैसे आए। दोनों ही बहुत बड़े शक्तिशाली थे और बात बात में दोनों में बहस शुरू हो गई कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन बड़ा है। इन बातों पर वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे और कई सालों तक युद्ध चलने लगा। करीबन 10,000 सालों तक चलता रहा। तब भगवान शिव एक विशाल पत्थर की तरह दोनों के बीच में आए, जिसमें बहुत शक्तिशाली ज्वाला निकल रही थी। फिर से आकाशवाणी हुई कि जो इस लिंग का आकार पा लेगा वो सबसे बड़ा शक्तिशाली होगा। भगवान विष्णु नीचे की तरफ गए और भगवान ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए। कई सालों तक अंत नहीं मिला तो वो वापस आए और कहा, महान शक्तिशाली प्रभु, इसका कोई अंत नहीं है, मुझे माफ करे, मैं खुद को शक्तिशाली समझ रहा था। ब्रह्मा जी ने लिंग का प्रारंभ नहीं मिला तो उन्होंने जाकर कह देता हूँ कि मुझे प्रारंभ मिल गया है, फिर वे विष्णु से बड़ा माना जाऊँगा। ये सोचकर वो वापस आए और घमंड में बोले कि मैंने लिंग का आरंभ खोज लिया है और मिल गया। और फिर आकाशवाणी हुई, ये शिवलिंग है, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निरंकार हूँ। और शिवजी तो सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और ब्रह्मा जी को झूठा बोलने पर श्राप दिया, तुम्हारी कभी पूजा नहीं होगी। तब ब्रह्मा ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और फिर भगवान शिव ने उन्होंने वरदान दिया। तब से भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा गया। तब भगवान ब्रह्मा और विष्णु उन्हें प्रार्थना की, भगवान आप हमारे जैसे समान रूप में हमारे हमारे साथ रहें। तब भगवान शिव शंकर बाहर आए और शिव के रूप में, जैसे ही शिव शंकर ब्रह्मा तीनों तीनों सृष्ट है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों जब मिलते हैं तो एक बिंदु बनता है जिसे
अच्छी लगी तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और फ्रेंड्स को शेयर भी करें।